नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद, और आज हम आए हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र। यहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट बदला है। पहले यहां पे हजारीलाल चौहान विधायक के तौर पे रहे, और अब यहां पर राजकुमार आनंद को टिकट दी गई है। वहीं बीजेपी की ओर से अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से प्रवेश रतन को टिकट मिला है, जबकि कांग्रेस ने यहाँ पर कृष्णा तीरथ को टिकट दिया है। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे टिकट बदली है, अपना उम्मीदवार बदला है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों की राय जानेंगे। यहाँ पे यहाँ पार्क भी है और काफ़ी लोग भी है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। चुनाव आगे, क्योंकि अब 8 फरवरी को चुनाव है, तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी। क्यों? पसंद है, अच्छी है, काम चलाती है। जैसे दिल्ली में तो केजरीवाल कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा काम किया, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसा दिखता नहीं है आपको? नहीं दिखता है बिल्कुल, पर बीजेपी पसंद है। अच्छा, बीजेपी पसंद है। बीजेपी का ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगता है कि आप कह रहे हो कि बीजेपी पसंद है? उन्होंने भी अच्छा किया है, स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी में अच्छा काम किया है उन्होंने। दिल्ली में तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल कर दिए, इतनी मरम्मत की है स्कूलों की। हाँ जी, ये भी ठीक है। कांग्रेस का कहीं जिक्र होता है 15 साल दिल्ली में रही? नहीं, नहीं होता है। कांग्रेस को क्यों भूल गए लोग? कुछ काम ही नहीं है उनके। अच्छा। कुछ अच्छे। तो अब कौन लगता है आपको कि काम करेगा दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही करेंगे। वैसे दिल्ली में केजरीवाल ही करेगा, तो अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी की आनी चाहिए। आनी तो चाहिए, पर चांस तो केजरीवाल के ही हैं ज़्यादा। चांस केजरीवाल के ही है, ठीक है। आपने अपनी विभाग राय रखी कि स्पॉट बीजेपी को करते हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल के आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में चुनाव आ गए। हाँ, बिल्कुल आ गए। क्या माहौल बन रहा है, किसकी सरकार चाहते? तैयार है हमारे केजरीवाल, जिंदाबाद। अच्छा, क्यों? काम कर रहा है, घूम रहे हैं बिलों लेके। अच्छा, ये देखो फ्री बिलों लेके। अच्छा, फ्री पानी लेके हैं, फ्री दवाई लेके, हॉस्पिटलों में सुविधा। बेटा 5 साल तो कर रहे, आगे की कोई बात है नहीं कि आगे की। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखो बैंक लेके गया हूँ, 8 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, समझ गए नहीं आप? मशीन कंप्यूटर खराब है, तो मैंने कहा यहाँ पे कंप्यूटर को कबाड़े में क्यों नहीं बेचते हो? मैंने ये बोला, मैं कंप्यूटर को कबाड़े में बेचते नहीं, और यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे खुलवा दो ठेका शराब का जो चलता रहे, तुम्हारा काम नहीं है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी में दो भाड़ और कांग्रेस को हमारा झाड़ू जिंदाबाद है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी है, तो हम मुमकिन कर लेंगे। मोदी हम काहे को, मोदी वो तेली है, हम घड़ी है, हम ऐसे क्या, हम तो हमने काम वाले को देंगे। क्या कह रहे थे आप? मोदी केंद्र में अच्छा लगता है, दिल्ली में तो केजरीवाल। अच्छा, क्यों? केजरीवाल ने बहुत काम करवाया। क्या क्या काम ऐसे किए हैं जो आप कह रहे हैं कि काम करवाए? वो तो बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि हमने स्कूल, स्वास्थ्य, सब चीज़ें काम कर दी। आप ये देखो ना, आपके हॉस्पिटलों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब केजरीवाल का इतना डर है कि दवाइयां सब जगह मिलती हैं, और एक्सीडेंट का उन्होंने किया हुआ है। पहले लोग एक्सीडेंट हो जाता था, लोग ले जाते हुए डरते थे, और अब उन्होंने ऐसी स्कीम करी है, 2500 रुपये मिलते हैं ले जाते हैं। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह तो कहते हैं कि मैं वाईफाई के लिए तरस गया दिल्ली में, फ्री वाईफाई नहीं है। नहीं, नहीं, मैं कैमरे को दूरबीन से देखता हूं तो नज़र नहीं आते कहीं कैमरे लगे हुए हैं क्या। आप उनको बताते क्यों नहीं जब आपके इलाके में आते हैं? तो कम से कम ये भी तो आप बताइए ना कि ये रहे कैमरे। सर वो तो काम किया है, तो नहीं किया है तो आप लगवाइए। वो तो वोट बैंकिंग बताएगा ना, अभी 8 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद पता लग जाएगा आपको। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? कहेगा मतलब बीजेपी आनी चाहिए। इस समय जो हाल है हिंदुस्तान का, दिल्ली का जो हाल है, साइन वाइन बाग जो हर जगह हो रहा है, ये कह रहे कैमरे लग गए, कहाँ लगे कैमरे? एक भी कैमरा चालू दिखा दो इनमें से आप। यहाँ पे कैमरे नहीं लगे। लगे हैं तो चालू नहीं है ना ये। हाँ। क्या फ़ायदा है कैमरों का, क्या कौन से वाईफाई हमें मिल गया, क्या चीज़ फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है? लोग कह रहे हैं बिजली फ्री मिल रही है, वो पैसे कहाँ से जा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जा रहे हैं ना, आप जो तमाम लोग जो चीज़ के कह रहे हैं कि कैमरे नहीं लगे हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो उनकी फुटेज ही दिखा रहे हैं, उनकी फुटेज कहाँ से दिखा? झूठा आदमी है ना जी, आप जानते हो झूठा पुलंदा है केजरीवाल।
सच कौन कह रहा है फिर? सच हम कह रहे हैं ना, हम लोकल आदमी, हमसे पूछो हमारे इलाके में कौन सा कैमरा लगा हुआ है, बताए कौन सा कैमरा चालू है, कौन सा। आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या काम? क्या काम, क्या हुआ? हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है, एक भी नहीं, यहाँ कैमरा नहीं है, यहाँ रातों को यहाँ पे इतने कुछ होता है, यहाँ पे हम परेश काम करते हैं यहाँ पे। तो ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बहुत काम किया है, ये माता जी भी कह रहे हैं काम कानपुर में। भैया हमारे लिए कानपुर में सारी सड़कें भी खुद ही पड़ी बेटा, कहना मैं विधायक आए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं करा होगा, हमारे को तो चार पुड़िया दवाई की मिल जाए वो काम है, हमें हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो काम है, हमारी बिजली फ्री आ रही वो काम है, पानी फ्री आ रहा है वो काम है, बाकी हम नहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपकी बात नहीं है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपनी बहू को नहीं रख पा रहे, घर में एक बहू होती है संभाल रहा, अगर कहीं पर कमी भी होगी, कमी भी होगी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं किया है, ठीक है, हम पार्क में चलते हैं, हर बात से बचा रखा, हर बात, हाँ हर बात से बचा रखा केजरीवाल ने। वो तो कह रहे हैं, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया पटेल नगर में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया। अब कहने का क्या, ये तो दुनिया है, क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पार्क में चलते हैं, यहाँ पे क्योंकि भीड़ भी है और धूप भी निकली है, तो यहाँ पे लोग धूप सेक रहे हैं, तो ये तमाम लोग जो है यहाँ पे ताश भी खेल रहे हैं और राजनीतिक बातें भी कर रहे हो कि साथ में ताश ताश ही खेल रहे हो? है अंकल जी, अच्छा सारे काम कर रहे हो, तो किसकी सरकार बना रहे हो इस बार आप? केजरीवाल। क्यों? बंदा सही हूँ हम गरीब आदमी, हमको क्या चाहिए, बिजली पानी और क्या चाहिए हमको, बस बिजली सस्ती है, पानी फ्री में मिल रहा है, और क्या चाहिए भैया हमको, मजदूरी करते रोटी खाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप? केजरीवाल की सरकार चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि बिजली पानी सब सस्ता कर रखा है गरीबों के लिए, लेडीजों के लिए बाजन पास फ्री कर रखी है, उसने क्या कर दिया, गरीब आदमी तो वैसे ही मारा हुआ। बीजेपी तो ये कह रही है कि आप लोगों को सिर्फ ये चुनाव के वक्त ही सुविधा दी है, बाद में छीन लेंगे। वो कोई बात नहीं, छीन लेंगे तो वो बार तो आएगी, जब देखी जाएगी छीन लेंगे, कोई बात नहीं, सभी छीनते हैं, कौन नहीं छीनता, सारे छीनते हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर घंटों का दर हो रहा, उसको नहीं देख रही है, और देख रहे हो ना आप भी, देख रहे हो, और इससे बदती क्या देखोगे, तो सरेआम लड़कियां उठा रहे हैं वहाँ। तो दिल्ली के अंदर क्या चाहते हैं, किसकी सरकार? भाई ये केजरीवाल की सरकार है यहाँ तो। ठीक है, तो ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी। क्यों भाई? वो काम बढ़िया कर रहा है, अगर इस देश को बचाना है तो मोदी को ले आओ, मोदी आगे है, आगे नहीं नीचे है, नीचे केजरीवाल, नहीं तो घर घर में। देश की बात मत कीजिए, दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, देश की बात है, हम तो मोदी को चाहते हैं, जो जिसने इस देश को संभाल रखा है, एक मोदी है, सबसे बढ़िया मोदी है इस टाइम, क्योंकि आप देखो क्या काम किए मोदी ने, ये बताइए, पहले पांच काम बताइए, ऐसे पांच काम बता दो। सबसे पहले मोदी इतना बढ़िया आदमी है, क्योंकि जो जिससे हम हमेशा डरते आते थे, और जब पाकिस्तान हमारे साथ बुरा हाल करता था, और जो हमारे देश का खारा हमें गुर्रा रहा है, तो भाई एक मोदी को ले आओ ना, जिससे पाकिस्तान वैसे ही डरता है। मैं पांच काम पूछ रहा हूँ आपसे, आज भी वही सीज फायर होता है, सिर्फ पाकिस्तान बस। नहीं नहीं, एक काम मत गुनवाइए ना, पांच काम, पाकिस्तान का क्या काम है ये बताइए, पाकिस्तान से। सुनो मेरी बात, मैं वैसे कांग्रेसी हूँ, मुझका काम अच्छा लगता है, क्यों जो काम करता है ना, ये छह महीने में, आज तीन महीने में आके दिखा रहा केजरीवाल खामे का। देखो मैं खुद कांग्रेसी हूँ, अच्छा काम जानता हूँ मैं, कांग्रेस का काम खूब करा है। ठीक है, ये कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे, क्या दिल्ली में किसकी सरकार? देखो सही कह रहे हैं भाई भी, मोदी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए ना, मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनने आएंगे, कैसी बात है, मोदी चाहिए हमें तो बस, हमारा को इतना नहीं पता, मोदी सही काम कर रहे हैं पूरे। अगर मोदी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री बन जाइए, है ना। बीजेपी को वोट दिया मैंने आज तक, बस मैं और कुछ नहीं जानता इस बारे में। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार? अभी कुछ कह नहीं सकता है कि काम तो देखो केजरीवाल ने अच्छा किया है, लेकिन कुछ यहाँ पे गुटबाजी जो कहते हैं, गैंगबाजी चल रही है, तो ये हिंदुस्तान में ये जो डेमोक्रेसी चल रही है काफ़ी, ये वह गलत है वैसे, लोग हिंदुस्तान में रह के और हिंदुस्तान का ही खात्मा करने सोचते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। इसमें केजरीवाल कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे मोमडन लोग हैं वहाँ वहाँ पे इतना उधम हो रहा है, लेकिन आम आदमी उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी का एक्चुअली बोलने का नहीं है ना, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो गृह मंत्री के पास है, सेंटर सरकार के पास है, तो आम आदमी पार्टी थोड़ी ना हटाएगी उनको। तो वहाँ उनके खुद के बंदे बैठे हुए हैं ना, उनके आम आदमी जो है उनकी कहाँ बैठे हुए, कौन आम आदमी पार्टी का, कौन का विधायक है, जहाँ पे आपने अगर देखा होगा अभी, जहाँ आम आदमी जहाँ विधायक है वहाँ, वहीं पे दंगे हुए इतने, अमानतुल्ला जहाँ पे हैं, तो वहीं पे
दंगे हुए हैं। आप और कहीं भी दिल्ली के अंदर देख लो, कहीं सरकार के पास पावर है वो हटाए, पावर है लेकिन वो हटा नहीं सकते ना, वो कुछ राजनीति चल रही है सारी। मैं बात तो वही है ना कि राजनीतिक फायदा वो हटाएंगे नहीं, वो सिर्फ ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ केजरीवाल करवा रहा है। ज्यादातर देखो चांसेस तो केजरीवाल के ही हैं, बाकी अभी देखो अब चुनाव आते आते अब क्या होता है, गेम चेंज भी हो सकता है कुछ। तो ये तो कह रहे हैं कि चुनाव आते आते जो है वो कुछ भी हो सकता है। किसकी सरकार चाहते हैं? केजरीवाल की चाहते हैं। क्यों? केजरीवाल ने देखो जी पानी में वो है, बिजली में वो है, स्कूलों में है बच्चों के। ठीक है, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया है, जैसे बीजेपी भी कहती आ रही है कि दिल्ली में तो काम नहीं हुआ। वो तो दूसरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं वो तो। हमें तो केजरीवाल को वोट ही देंगे जी, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। आप किसको? सर हमारे को तो वो पार्टी चाहिए जो काम करके दिखाए, चाहे केजरीवाल हो या मोदी जी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो पिछले 5 सालों में क्या केजरीवाल ने काम करके नहीं दिखाया, या फिर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम करा? अच्छा किया। हाँ काम किया। इस बार किसकी सरकार हो? इस बार जो भी आए, किसी भी सरकार आए, वो जो पार्टी जीतेगी तो पता लग जाएगा कि हमने किसको वोट दिया। ठीक है, तो ये तो कह रहे हैं कि इस बार किसी की भी आए सरकार काम करने वाली हो, आपके हिसाब से कौन सी हो? भाई झाड़ू आएगी इस टाइम, हमारे हिसाब से तो झाड़ू ही केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा झाड़ू, झाड़ू से किस किस को साफ करेंगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों को? दोनों को साफ करेंगे बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो। किस तरीके से कह सकते हैं काम इतना हुआ है कि साफ कर देंगे? नॉलेज है बच्चों को, जो भी जो प्रमोशन मिल रहा है वो झाड़ू की वजह से मिल रहा है। अच्छा झाड़ू की वजह से मिल रहा है। कांग्रेस तो 15 साल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसको कैसे भूल गए आप? भूल के कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो बस जी। तो केजरीवाल कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब ने तो बता दिया है ना, इक्का भी है बेगम भी है। ठीक है, तो चाल क्या चल रहे हो, किसकी सरकार बना रहे हो आप? सरकार तो देखो जी अब जो हवा जैसी चल रही है वो आप सब हम समझते हैं कि किसकी चल रही है। किसकी चल रही है बताइए, आपको मालूम ही है। नहीं, वो तो पूरब से चल रही है। पूरब से चल रही है, सब मालूम है दिल्ली में किसकी सरकार है। अच्छा, ये वही सरकार बनेगी जो है। अच्छा, मौजूदा सरकार ने काम किए हैं? हाँ काम किए, जब भी तो लोग लाइक कर रहे हैं, देख लीजिए। प्रधान जी, हाँ अच्छा, आप इन सब के, ये जो तमाम लोग ताश खेल रहे हैं इनके प्रधान है? किसी के प्रधान नहीं है, हंसी मजाक कर रहे हो, बोलो आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव आ गए, क्या आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो काम किए ना, जैसे अस्पताल का और स्कूल के बारे में वो ठीक है, जो फ्री का या बिजली के बारे में जो कराया 200 यूनिट फ्री दिए, उन्हें फ्री नहीं दी, पब्लिक को उल्लू बनाते हैं, और जो ठीक है इस चीज में तो, और जो तो सब पार्टियां कह रही है ना, बीजेपी भी कह रही है ना, ऐसे कह रहा हूँ, किसी छोटे घर में तो बिल्कुल एक कमरे वाले में तो 200 यूनिट इस्तेमाल हो सकती है, किसी भी थोड़े से भी बड़ा घर हुआ उसमें 200 से फालतू लगती है, तो वो एक यूनिट होने के बाद भी टोटल बिल जाता ही है ना, फ्री नहीं हुआ, और ना फ्री होना चाहिए वैसे, असल में फ्री भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो कमाएंगे नहीं, फिर सब चीज़ फ्री मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम तो 1000 यूनिट तक फ्री देंगे बिजली, कह रही है 600 यूनिट कांग्रेस बोल रही है, तो वो भी गलत कह रही है। तो फिर किसको चुनेंगे आप? चुनेंगे तो अभी केजरीवाल को ही देंगे वोट, बाकी गलत किया ये काम। कैसे हैं आप? ठीक है, कुछ पता है काम का या फिर अब की बार? सारे काम के ही है। अच्छा सारे काम के हैं, तीनों पत्ते। कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी, किसकी सरकार चाहते हैं आप? ये आम पार्टी होना चाहिए वे सब तो। अच्छा आम पार्टी, क्यों? भैया बिजली का पानी का सबका वो कर दिया है। अच्छा काम किया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? आपके पास भी तो तीन पत्ते हैं है ना, एक कांग्रेस का है, एक बीजेपी का है और एक आम आदमी पार्टी का, कौन सा चलने वाले हैं? हाँ भाई कोई भी हो, सरकार आए अच्छी आए। आम पत्ता है ना, ना इक्का है, ना बेगम है, ना बादशाह है, है ना। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? हमारे हिसाब से आम आदमी बनने जाइए। अच्छा आम आदमी, क्यों? वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं। अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं। आप बैठे चुनाव की चर्चा भी कर ही रहे होंगे, तो किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? देखो जी शोर तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है, और गरीबों के लिए काम भी कर रहे हैं उसने, और उसके जवाब में जितने भी मोदी के अगेंस्ट जितने जवाब जो ये केजरीवाल देता है, और किसी के बस के भी नहीं देने।
तो जैसे बीजेपी तो कह रही है कि जो काम किया है, एक तो चुनाव के आखिरी वक्त, और जो वादे पूरे करने चाहिए थे वो किए ही नहीं, ऐसा है क्या? बिल्कुल है। कुछ भी नहीं किया उसने। किसने? मोदी ने। नहीं, केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या ऐसे काम बता सकते हैं जो आपको लगता है कि, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं बीजेपी वाले। तो 7-8 हजार का बिजली का बिल आता था, अब मैं एसी नहीं चल रहा मेरा, अब मेरा जीरो आ रहा है, पानी जीरो है, और जो काम पानी की समस्या, किसी बात की समस्या नहीं होती, जो फैसिलिटी, अब उसने जो काम किया लेडीज के लिए, टिकट फ्री किया, कितना फायदा हुआ, लोग मेट्रो में जाना बंद कर दिया लेडियों ने। ये सही है क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, आप ही में से कुछ लोग कह रहे थे कि ये फ्री वाला ठीक नहीं है। देखो मैं आपको ये बताऊँ, दोनों बातें हैं, जो फंड बचा वो पब्लिक के काम आएगा, अब नहीं बच रही है वो फंड, वो पब्लिक काम नहीं आएगा। ठीक है, जो लोग आप टैक्स देते हैं वही वापस आ रहा है, तो क्या दिक्कत है ना? हाँ। आप भी ये मानते हो किसकी सरकार? बीजेपी, सॉरी ये केजरीवाल जी सरकार। केजरीवाल की? नहीं, आपने कहा सॉरी, कोई बात नहीं, क्या होता है, बीजेपी की लहर चल रही थी, लहर में बह गए। आगे क्या हुआ, लहर में आगे तो क्या हुआ? इस बार दिल्ली में किसकी लहर चल रही है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल वो आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, ये भी कह रहे हैं 100%। आप क्या कहेंगे सर? ये तो कह रहे हैं कि लहर चल रही है अब केजरीवाल की, तो पहले तो कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले तो बीजेपी की चल रही थी। जनाब ये तो हकीकत है। हाँ। देखो ये हकीकत है। अच्छा, उसने केजरीवाल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा काम उसने पुण्य का ये काम किया है कि जैसे बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ले जाता हुआ उसे डरता था, पुलिस वहीं पकड़ के बिठा लेती थी, आज बेफिक्र होकर ले जाओ। मेरे में बीती हुई है, मैं ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, ऐसे ही राहगीर का किसी का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं उसे, वो बेचारा रात का टाइम था, यूँ कर रहा पड़ा हुआ, सर्दी का टाइम था, मैं उसे रोक के, गाड़ी रोकी, मैं उसे हिंदू राव ले गया, हिंदू राव में मुझे पकड़ के बिठा लिया, वो बेहोश हो गया था, जब सुबह होश आया उसे, जब इसने, उसने बेचारे ने बयान दिया, तब मैं वहाँ से अपनी गाड़ी ट्रक लेवर लेके तब आया। ये काम उसने सबसे बढ़िया किया। तो ये बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अनजान आदमी का किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप भी उठा के ले जाओगे उसे, बेफिक्र होके। तो क्या यहाँ पटेल नगर में जैसे कैंडिडेट भी चेंज किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका कोई फर्क असर नजर आएगा कुछ? नहीं, हवा है केजरीवाल की। अच्छा। और ये मेरा दावा है, 58 सीटें इसकी लाजमी आएंगी। अच्छा, 58 सीटें। हाँ, आप तो प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि 58 सीटें। 58 सीटें आएंगी, और मैं शर्त लगा सकता हूँ, दुगने का भाव दे सकता हूँ। ठीक है, हम ये आपकी रिकॉर्डिंग रखेंगे जब रिजल्ट आएगा। अंकल जी भी धूप सेक रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल जिस तरीके का दावा कर रहे हैं कि हमने तो बहुत काम किया दिल्ली में, ये पटेल नगर में दिखता है क्या? बिल्कुल सारे में। लेडीजों को तुम देखो, जिनके लेडीजों को लड़कियाँ थी, हजार हजार का वो बनता था पास, समझते ना, ये कराया। पानी का ऐसा पानी साफ आ रहा है कि हमने, मैं हूँ पक्का कांग्रेस, देखो मेरे चाकू लगा हुआ कांग्रेस हूँ पक्का अभी, मगर ये है कि जिसका खाओ उसका गाएंगे। मैं केजरीवाल सारी हर कहीं केजरीवाल इन दोनों की जमात जबत ना करें तो बेटा तू मेरा बेटा है, जब मर्जी मुझे कर दो। केजरीवाल इनकी जमात जबत करेगा, कांग्रेस की और बीजेपी की। क्यों? और ये बीजेपी चाहेगी ना कि वो कहे मोदी कि मैं ये कर दूंगा, तो कुछ नहीं, आवाम देखेगा कि वोट हमने किसको दिया, किसके वोट, कैसे बेईमानी हो गई टिकटों पर। लेकिन ये बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास मोदी है और मोदी का जादू ऐसा चलेगा कि दिल्ली भी साफ हो जाए। आप भी देखो, आप मेरा साथ दोगे और मैं कहीं मर रही हूँ, देखो सुन, मैं मर रही हूँ और सब है कि भाई ये आदमी अच्छा, तो उसके भी तो आदमी देखेगा ना कि यार ये अच्छा है। केजरीवाल ने देखो अच्छे काम करे बेचारा, है भगवान भला करे, आगे तो वही ऊपर वाला है, मगर केजरीवाल के हमने कहा कि हम मूँच मुँह डालेंगे और ये हार गया, वो 58 कर गया केजरीवाल, बासर इनकी सारी जमानत जब्त करे, तो मैं आपसे बता रही हूँ। ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा है, आपको कौन अच्छा? हम भी ये इसको ही देंगे। अच्छा, क्यों? क्यों हर चीज की वो कर रहा है ये, उसने मोदी ने क्या करा है, इतनी महंगाई कर दी दुनिया भर के, वो कर दिए, जो ना चीज देखने को मिली वो दिखा दी इसने। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया। कौन कह रहा? कौन कह रहा? बिजली का बिल उसने कर दिया, पानी उसने अच्छा कर दिया, सड़कें बना दी, दुनिया भर के काम कर दिया उसने।
हाँ राजनीतिक बातें हो रही है, खाना भी बना रहे हो आप साथ में। मैं आपसी से पूछ रहा हूँ कि चुनाव आगे हैं तो किसकी सरकार चाहते हैं आप दिल्ली में, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि बेटा वो ना काफ़ी सुविधाएं कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे कि बसों का किराया फ्री है और आपके बिजली का बिल हो गया और क्या कहते हैं बिजली का बिल और क्या। नहीं भैया देखो बसों में तो हम लोग कम ही जाएंगे, ठीक है ना, रोज जाया जाता है। बिजली का बिल आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, और ये पानी का बिल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है ना, और स्कूल बच्चों की सुविधाएं कितनी अच्छी करी हैं, ठीक है ना। तो फिर हम लोग ऐसे बंदे को लंजो गरीबों की सुने। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि काम किया नहीं है इतना जितना वो कह रहे। तुम हो चाहे मैं हूँ, अब तुम अच्छा कर रहे हो, मैं नहीं कर रही, तो अगले के हर मैं कितने अच्छा कर रही हूँ, जब तुम्हारी पहुँचो तो तुम यही कहोगे ना भाई ये अच्छा नहीं कर रहे। केजरीवाल अच्छा बोलना चाहिए। आप कह रहे हो कि केजरीवाल की सरकार, और देखो पेंशन भी इन लोगों ने तो 1000 ही करीबी थी, अब इसने 2500 3000 करीबी है, बहुत अच्छा काम करा और करेगा। आप क्या कहते हो, ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। हाँ जी, किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों? कांग्रेस काफी पहले से चलती आ रही है। एक तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 70 साल लोग कहते रहते हैं कि कुछ किया नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की आनी चाहिए। नहीं, हमें तो शुरू से ही कांग्रेस पर ही फेद है। अच्छा। हाँ, तो अब बीजेपी आई है तो बीजेपी से सारा कुछ ही चेंज हो रहा है सिस्टम में। तो अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तमाम चीजों पे काम किया। केजरीवाल जी का तो अलग है ना। हाँ। वो तो उनका सिस्टम भी ठीक ही है केजरीवाल जी का। तो दिल्ली के लिए ही पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, 8 फरवरी को चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बेटर रहेगी? केजरीवाल जी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे बस की टिकट भी फ्री है लेडीज के लिए, और भाई बिजली पानी भी सब फ्री किया है, ये तो अच्छा है काम। बट लेकिन कांग्रेस फिर भी ज़्यादा बेटर रहती है, वो पूरा देश को देखते हैं एक साथ। कांग्रेस बहुत पहले से ही चलती आ रही है। ठीक है, आपने बता दिया, क्योंकि मैं पूरे इस इलाके के अंदर और पार्क के अंदर तमाम लोगों से राय ली, किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। आपके हिसाब से आपने कहा कि कांग्रेस ठीक रहेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिंदा है अभी लोगों के दिलों में। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस तो पहले से ही चलती आ रही है, वो ही ठीक रहनी चाहिए। बीजेपी ने तो सारा सिस्टम हिला दिया, नोटबंदी कर दी, GST कर दिया, सारा कुछ कर दिया। बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो तमाम लोग हैं, खास करके महिलाएं भी हैं, और इस पार्क के अंदर जितने भी लोगों ने अपनी बेबाक राय रखी है आप तमाम दर्शकों के सामने, फिलहाल हमारे साथ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहां के लोगों की राय कि इस बार दिल्ली में वो किसकी सरकार बना रहे हैं।